बस ऐसा लग रहा है कोई पान थूका है। प्रीति और मेरी पुरानी दुश्मनी है, मैं जब भी आती हूँ वो बसता है। तो अब मैं जा रही हूँ बाल धोने। दीदी आप मेरे थर्ड क्लास का कपड़ा क्यों पहनी है? था उसमें और पिछला गल था उसमें। 10,000 के हैं ये पूरे हाईलाइट। अरे बहुत ज्यादा उसमें देखो। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो प्लीज़ मेरी बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी इग्नोर कर देना, बिकॉज मेरे घर में इतनी आवाज़ होती रहती है। एंड टुडे आई एम गोना कलर माय हेयर, मतलब मैं अपने बाल रंगने जा रही हूँ। आज बहुत दिन से सोच रही थी, कलर मंगा के भी रखा था, पर सोचा क्यों ना आज का शुभ दिन चुनूँ मैं बाल रंगने के लिए। पर मेरा कपड़ा गायब हो गया तो मम्मी ढूंढ रही हैं। मेरे कपड़े 90% ऑफ द टाइम गायब ही रहते हैं। आई थिंक गाइस नाउ मेरा कैमरा ठीक है, पता नहीं क्यों एकदम सफ़ेद हो गया था। सामान आया है तो अभी टी शर्ट पहन के करूँगी, यही ठीक लग रहा है मॉम। बस एक ही टी शर्ट मिली है, मेरा एक कुछ खास पहनने का मन नहीं है। मेरे बाल स्ट्रेट ठीक लगते हैं नहीं? कर में कितनी इतना गंदा एक ने मेरा इतना गंदा मेकअप किया था गाइस। बाल सीधा अच्छा लगता है कि मैं आपको बता। और जो मेरा मेकअप करवाई थी वो, ये भी तो कहो मैं बिना मेकअप के अच्छी लगती हूँ, लेकिन तुमने जो मेरे चेहरे पे हुलिया मेरा बिगड़वाया था वो भी तो बताओ लोगों को। मैं ना इनको आंखों से इशारा कर रही हूँ कि मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं कराना। बी ब्लंट का सीक्रेट सैलून, बी ब्लंट सैलून लाइट कलर, खोल के दिखा दूँ। मेरे फोन में बहुत गंदा बन रहा है। क्या मंगाई हो? डालो ना तुम। गाइस मम्मी हेल्प कर रही है थोड़ा सा, वो उसमें से निकल नहीं रहा और ऐसे लग रहा है मेरे हाथों पर किसी ने कलर लगा दिया। नहीं, इट इज प्योर रेड। दबाते रहो। अरे बहुत ज्यादा उसमें देखो जैसे टूथपेस्ट। अरे यार नीचे गिरा दे रही हो तुम तो। पूरा हाथ खराब हो जाएगा मेरा। तो साफ हो जाएगा ना, नीचे क्यों गिरा रही हो? था उसमें और पिछला गल था भाई, खून भरी मांग लग रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी का खून करके निकली हूँ। पहले ग्लव्स को लो हाथों में, बोल से पकड़ो कलर को थोड़ा एंड बाल से लगा। और कलर को शैम्पू की तरह यूज करना, जैसे आप शैम्पू यूज करते हो वो पार्लर की तरह नहीं, मतलब स्ट्रिप बाय स्ट्रिप भी कर सकते हो, बट मेनली मैं शैम्पू की तरह यूज करती हूँ, मतलब ऐसे लगा लेना। मैं अभी चुड़ैलों की तरह लगा रही हूँ। मम्मी वो दरवाजा खोल दो, टॉबी कब से खड़खड़ा रहा है, टॉबी कब से दरवाजा खड़खड़ा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे छोटे शीशे की जरूरत पड़ेगी तो मैं मम्मी को बुला रही हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे बालों पे कलर लगे कहाँ कहाँ है। भाई ये कितना भयानक लाल दिख रहा है भाई, एकदम चटक लाल दिख रहा है ये। इस तरह के चटकीले लाल बाल हो गए मेरे, तब एकदम चटकीले लाल हो गए, तब अभी से दिख रहे क्या चटक लाल। तो अभी तो लाल चटक हो जाएगा, चटक लाल ऐसा। हाँ मेरे मांग में सिंदूर भर गया शादी पहले, सिंदूर लग गया शादी पहले। फैमिली ये है मेरा पिद्दा सा शीशा, इस शीशे को देख के मैं लगाऊंगी। अब साफ कर रही हूँ, पता नहीं चल रहा मैंने कहाँ कहाँ लगाया। मम्मी तुम जिस ब्रश से लगाती वो ब्रश दे दो, इसी तरह लगाना है सबने, ठीक है? खून भरी मांग तो यार गाल पे लग जा रहे हैं, बुरुस से थोड़ा मारेंगे, देखा जाए कहाँ कहाँ हुआ है कहाँ कहाँ नहीं। मेरे बाल थोड़े फॉर्म किए ताकि मुझे पता चले कि कलर एक्चुअल में लगा कहाँ कहाँ है, एंड टू बी ऑनेस्ट लगाई नहीं है काफ़ी जगह। फैमिली मैंने नई चीज़ डिस्कवर की है, अगर आपको कलर लगाने नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ऐसे कटोरे में से कलर लो, उसको ऐसे कंघी पे लगा दो, उसको अपने खोपड़े पे लगा लो, इस तरह से उसको लगा दो तो वो पूरा फैलाते रहेगा।
के बाल भी नहीं बचेंगे और सारे बाल पे आई मीन कोई बाल ऐसे नहीं बचेंगे जिस पे कलर ना लगा और सब पे कलर भी लग जाएगा, क्या कहते हो? देख लो बिल्कुल इस तरह झिमनी लगा लेंगे। मैंने पुतैया तो कर ली है अपने बालों पे, अब इसको एक घंटा छोड़ना है, अभी एक बज रहा है तो मैं 2 बजे इसको निकालूंगी। वैसे आप 1.5 घंटे भी रख सकते हो, जितना देर रखोगे बालों का रंग उतना अच्छा चढ़ेगा, लाइक कलर उतना अच्छा निखर के आएगा, सो आप पे डिपेंड करता है 1 घंटा 1.5 घंटा। मैं खाऊंगी नाश्ता, जल्दी दो, आई मीन खाना, 1 बजे तो खाना ही खाते हैं। पीटी और मेरी पुरानी दुश्मनी है, मैं जब भी आती हूँ वो बसता है। तो मैं 10 बजे उठ गई थी तो कोई ये मत सोचना कि मैं 12 बजे उठी और मैंने सीधा कलर लगाया और मैं 1 बजे खाना खा रही हूँ। मैं 10 बजे उठ गई थी लेकिन कलर लग, ये क्या खाना है? मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मम्मी कुछ भी भरे जा रही है, मम्मी मुझको नहीं पसंद ये रोटी, तुम तो मेरे इडली सांभर बनाओगी। इडली बनाना पड़ेगा, अरे यार खुद से इसने कितना लीचड़ की तरह लगाया है, गड़गड़ नहीं करना चाहिए। ट्रॉफी को लपेटे में लिया गया है नहलाने के लिए, आज ये साफ हो रहे हैं और सुधांशु ने भी मेरी तरह अपने बालों को रंगा है। जल्दी देखते हैं मेरे बालों का क्या कलर आता है। गाइस जब सुधांशु नहलाता है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट जाती है, जैसे मेरी है इधर पाइप पकड़ के खड़ा होने की, क्योंकि अकेले नहला नहीं सकते, इनको 10 लोग चाहिए झुंड में। अरे माँ का गाइस अब मम्मी पाइप पकड़ के खड़ी हैं, महाराज की सेवा हो रही है, ड्रायर से बाल सुखाए जा रहे हैं, महाराज ड्रायर को खाने की कोशिश कर रहे हैं। हाय फैमिली, जस्ट अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, तो मैं जा रही हूँ बाल धोने। तो अब मैं जा रही हूँ बाल धोने और बाल धोने के बाद देखते हैं क्या कलर आया है। तो गाइस ये दीदी के बाल हैं, बिल्कुल उसकी टी शर्ट की तरह, पता नहीं चलता कि बिल्कुल गलती से वो, अरे यार दीदी यार मेरे 3rd क्लास का कपड़ा क्यों पहनी है तू? ये क्या था दीदी, नशे वसे में हो क्या भाई? ये मेरे बाल, अरे भाई ये दीदी 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 अभी जस्ट मॉनसून पार्लर से अपने बाल लाल करा के आई है, 10,000 के हैं ये पूरे हाईलाइट, 10,000 रुपए लगे हैं दीदी। अगली देखा जाए, दिस इज माय हेयर्स, दिस इज खुशीज हेयर, कुछ डिफरेंस तो नहीं लग रहा है बे? वही ना, बस ऐसा लग रहा है कोई पान फूका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस तो व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना और मुझे बहुत सारा प्यार देना, व्लॉग में कुछ बनाया ही नहीं है मैंने, चिंता मत करिए गाइस, ये मेहंदी नहीं है कलर है ऐसी बूढ़े लोग कलर मांगते हैं।